हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसल मीडिया से जुड़ी काफी बड़ी अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अब सिर्फ एक रॉ और दो स्मैकडाउन बाकी है रेसल मीडिया के लिए, और इस रेसल मीडिया में हमें काफी सारे अच्छे मैचेस देखने मिलने वाले हैं। तो क्या रोमन रेंस रिटेन करेंगे अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रेसल मीडिया? प्लस क्या ड्रू मैकइंटायर बन सकते हैं हमारे न्यू WWE चैंपियन एट रेसल मीडिया? ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए, एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फर्स्ट दोस्तों, बात करते हैं ड्रू मैकइंटायर एंड बॉबी लैशली के बारे में। आज के ड्रॉ में हमें काफी सारे शॉकिंग थिंग्स देखने मिले, और उनमें से एक थी कि हर्ट बिजनेस जो है वो खत्म हो चुकी है। हमें हर्ट बिजनेस टीम इम्प्लोड होते हुए दिखी है, जहाँ पर बॉबी लैशली जो है वो अटैक करते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन को, और उसके बाद फिर बॉबी लैशली एंड शेल्टन बेंजामिन की हमें एक सिंगल्स मैच देखने मिलती है, जहाँ पर सेड्रिक अलेक्जेंडर डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं बॉबी लैशली को, बट स्टिल समहाउ बॉबी लैशली ये मैच जीत जाते हैं। अब दोस्तों, द हर्ट बिजनेस जो एकदम डोमिनेटिंग फैक्शन थी वो हो चुकी है अब खत्म। और बात करें ड्रू मैकइंटायर की, तो ड्रू मैकइंटायर कन्फर्म करते हैं रिकोशेट को, रिकोशेट चैलेंज देते हैं ड्रू मैकइंटायर को, और उनकी हमें मैच देखने मिलती है जहाँ पर ड्रू मैकइंटायर डिस्ट्रॉय कर देते हैं रिकोशेट को। उसके बाद फिर मुस्तफा अली आउट ऑफ नोवेयर आकर अटैक करते हैं ड्रू मैकइंटायर को, एंड देन ड्रू मैकइंटायर क्विकली हरा देते हैं मुस्तफा अली को भी। उसके बाद फिर ड्रू मैकइंटायर कॉल आउट करते हैं बॉबी लैशली को और उन्हें कहते हैं कि वो ये जॉब फिनिश करें, और फिर हमें इन दोनों की एक ब्रॉल देखने मिलती है रिंग में। पर फिर दोस्तों, आउट ऑफ नोवेयर किंग कॉर्बिन आ जाते हैं और अटैक करते हैं ड्रू मैकइंटायर को। अब किंग कॉर्बिन क्यों आए और किस लिए आए, क्योंकि वो तो स्मैकडाउन सुपरस्टार है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और फिर लैशली कई बार ड्रू मैकइंटायर को सबमिशन दे देते हैं। तो ये था आज का रॉ। और दोस्तों, बात करें बैटिंग ऑड्स की, तो बॉबी लैशली ड्रू मैकइंटायर के जो बैटिंग ऑड्स है वो काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी सेम है। पर जिस तरीके से ड्रू मैकइंटायर को बुक किया जा रहा है एज एन अंडरडॉग, तो काफ़ी चांसेस है कि ड्रू मैकइंटायर जीत सकते हैं WWE चैंपियनशिप इन फ्रंट ऑफ द क्राउड एट रेसलमेनिया। काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रॉक आएंगे, ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे बॉबी लैशली का और तोड़ देंगे ड्रू मैकइंटायर को, पर WWE ने हमारा ये फुद्दू काट दिया और ब्रॉक को नहीं लाया। तो हमें अब थोड़े से होप्स कम ही रखने होंगे ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के इन दिस मैच, अनटिल एंड अनलेस अ मिरेकल हैपेंस एंड विंस मैकमैन लाए ब्रॉक को। बट बैटिंग ऑड्स की माने और करंट बुकिंग की माने, तो मुझे लगता है कि ड्रू मैकइंटायर शायद जीत सकते हैं WWE चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। अब दोस्तों, बात करते हैं रोमन रेंस की। अब आपको पता है कि जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच है वो ट्रिपल थ्रेट मैच बन चुका है, जिसमें डैनियल ब्रायन भी ऐड हो चुके हैं, और वो मैच बन चुका है अब डैनियल ब्रायन वर्सेज रोमन रेंस वर्सेज एज फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और दोस्तों, रिपोर्ट्स ऐसे निकल के आ रही है कि WWE काफ़ी टाइटल चेंजेस करने वाले हैं, बट इट सीम्स लाइक रोमन रेंस का टाइटल चेंज नहीं होने वाला है। अब आपको पता है कि इस फ्यूड में तीनों को ही काफ़ी स्ट्रांग दिखाया गया है। डैनियल ब्रायन जो हार रहे थे सिजारो जैसे लोगों से, उन्हें भी स्ट्रांग दिखाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने तो टैप आउट कराया था रोमन रेंस को, और रोमन रेंस तो एस्टेब्लिश स्टार है ही, वो इतने टाइम से अनडिफीटेड है। और बात करें एज की, तो एज शुरुआत में बेबी फेस थे, काफ़ी इमोशनल बंदे थे वो, बट अब वो एकदम डिस्ट्रक्टिव मोड में आ चुके हैं और तोड़ रहे हैं हर किसी को, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो बन चुके हैं एक हील इस स्टोरी लाइन में। तो देखा जाए तो इस मैच में दो हील्स हैं और एक बेबी फेस है। डैनियल ब्रायन बेबी फेस है एंड रोमन रेंस एंड एज हील है। बट स्टिल, बैटिंग ऑड्स की माने तो रोमन रेंस फेवरेट है ये मैच जीतने के लिए और रिटेन करने के लिए अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और बात करें बैटिंग ऑड्स की, तो रेसलमेनिया तक बैटिंग ऑड्स में ऊपर नीचे सब होने ही वाला है। पर अगर करंट बैटिंग ऑड्स की माने तो रोमन रेंस क्लियर फेवरेट है टू रिटेन द यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड डिफीट एज एंड डैनियल ब्रायन। तो हमें देखने मिल सकता है कि प्रोबेबली रोमन रेंस एज को ही पिन करके अपना टाइटल रिटेन कर सकते हैं एट रेसलमेनिया, और एज को एक तगड़ा स्पीयर लगा सकते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है रेसलमेनिया में। और दोस्तों, जो रोमन रेंस की मैच होने वाली है, उनकी मैच काफ़ी ज़बरदस्त होगी, और उनकी जो बिल्डअप चल रही है इस मैच के लिए वो भी काफ़ी माइंड ब्लोइंग है, इनक्रेडिबल है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में एज के अटैक के बाद, इस हफ्ते के स्मैकडाउन में रोमन रेंस कैसे रिटेलिएट करते हैं, कैसे बदला लेते हैं एज से एंड इवन डैनियल ब्रायन से। तो दोस्तों,
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगे हमारे वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट आपको कैसे लगा आज का रॉ, सेकंड आप किसे विनर देखना चाहते हैं इन द WWE चैंपियनशिप मैच एट रेसलमेनिया, एंड थर्ड क्या आप रोमन रेंज को टाइटल रिटेन करता हुआ देखना चाहेंगे एट रेसलमेनिया, या फिर आप देखना चाहेंगे एज या डैनियल ब्रायन को जीतते हुए। सो गाइस प्लीज 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 लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।